मैम आपका पार्सल, मैम आपका पार्सल। बहन तू? भैया आप डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, आपने पढ़ाई छोड़ दी? तुझे उससे क्या लेना देना कि मैं कुछ भी करूं? और कौन भाई, ये ले पकड़ अपना पार्सल। भैया आप नाराज क्यों हो रहे हैं, मैं तो बस पूछ ही रही थी। भाई किसका भाई, मेरी कोई बहन वहन नहीं है समझी, और मैं किसी का भाई नहीं हूँ। भैया इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं आप लोगों को भूल जाऊंगी। अच्छा आप ये सब छोड़िए, आप मुझे बताइए पापा कैसे हैं? अरे पापा कौन पापा, किसके पापा, तुझे ना ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है, अपना पार्सल पकड़ तू। भाई सुन, मैं यहाँ पर रहती हूँ, ये बात पापा को मत बताना, नहीं तो उनको बहुत बुरा लगेगा। मैं चाहकर भी ना तेरे बारे में पापा को नहीं बता सकता। मतलब तेरे घर से भाग जाने के बाद ना पापा ने सुसाइड कर लिया, सह नहीं पाए वो, और वो इस दुनिया से हमें छोड़ के चले गए। अब ना पछतावे का कोई फायदा नहीं है, और वैसे भी तू तो बहुत खुश होगी ना अपने पति के साथ। ओए कौन है, किससे बात कर रही है तू? और मैंने बोला था ना किसी लड़के से बात नहीं करनी है। ये है तेरा पति, ये है तेरी पसंद, इस आदमी के लिए तूने हम सबको छोड़ दिया था। अरे तुझे क्या पता तेरी इस हरकत की वजह से हम लोगों को कितना कुछ सहना पड़ा, अरे समाज में कितनी इज्जत थी हमारी, और तेरी इस हरकत की वजह से ना हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई, और तूने हम सबको छोड़ा वो भी इस शराबी के लिए। अरे इतने बड़े बड़े घरों से तेरे लिए रिश्ते आए थे, क्या कुछ नहीं सोचा था तेरे लिए, और तूने तूने सब खराब कर दिया। अगर तूने उस दिन पापा की बात मान ली होती ना, एक अच्छे लड़के से शादी कर ली होती तूने, कम से कम तुझे ये दुख तो नहीं झेलना पड़ता। तेरी इस गलती की वजह से ना हम सबको झेलना पड़ा, तुझे भी और हमें भी। ओए दो कोड़ी के डिलीवरी वाले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से ऐसे बात करने की? तू जानता नहीं है क्या मैं कौन हूं? अभी धक्के मार के तो यहां से निकाल दूंगा, भाग यहां से। चुप करो तुम, बहुत हो गया तुम्हारा, खबरदार अगर मेरे भाई से बदतमीजी करने की कोशिश की समझे। अरे तुम कुछ करते धरते तो हो नहीं, सारे दिन पी के बस पड़े रहते हो, तुमने ना मेरी जिंदगी खराब कर दी है। मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि तुम जैसे इंसान से प्यार किया और शादी की, तुम मेरे टुकड़ों में पल रहे हो समझे ना, लेकिन अब और नहीं होने वाला ये सब कुछ, मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ आज के आज अपने भाई के साथ। भाई प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना, मुझे प्लीज अपने साथ ले चलो। नहीं बहन, तूने इससे शादी की है ना, तो ये फैसला तेरा था हमारा नहीं, अब तू रह इसी के साथ, और वैसे भी तू हमारे लिए कब की मर चुकी है। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज मैं कुछ आपको बातें बताने या ज्ञान देने नहीं आया हूँ, मैं बस आप सबसे आज बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि ना हम वीडियोस बनाते हैं, आप देखते हो, हमें कुछ नहीं चाहिए बदले में, हम बस ये चाहते हैं कि आप सब वीडियोस को देखो, अपने परिवार को दिखाओ, अपने फ्रेंड्स को दिखाओ, अपनी फैमिली सबको दिखाओ, और हमारे पास प्यारे प्यारे मैसेज करो, हमें बताओ कि हमें कैसा कंटेंट बनाना चाहिए, और कंटेंट हमारा पसंद आया है या नहीं आया, उस पर आपको कितना प्यार आया, मतलब कैसा क्या रिस्पॉन्स है, वो आप सब हमें कमेंट्स में बताओ और प्यारे प्यारे मैसेज करो, हमारे पास यही चाहते हैं हम। और है ना हमारे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज करो कि भाई ऐसे वीडियो बनाओ, अगर आपके पास कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी कंटेंट है, हमारे पास मैसेज करो, हमें बताओ कि हमारे साथ ये हुआ है, ये हुआ है, हम उसी पे वीडियो बनाएंगे, प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, और वो आप सबको पसंद आएगी। तो जल्दी मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, हमारे पास मैसेज करो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा पेज के ऊपर, ठीक है? तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, राम राम।